अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ। ये देख सकते हैं डेजर्ट है। पहले मैं आपको ये डेजर्ट दिखाना चाहता हूँ, इसकी ये झाड़ियाँ देखें आप ज़रा यहाँ पर कैसे। तो जी अब मैं आ चुका हूँ सेवन मैजिक माउंटेन्स के बिल्कुल करीब। अब ये मैं आपको सारे करीब से दिखाऊंगा। पांच है जो सबसे नीचे ब्लैक कलर में है, उससे ऊपर ब्लू कलर में, फिर येलो है, फिर वाइट है और फिर ऑरेंज। यहाँ रेड यहाँ से दिखा रहा हूँ, सारे ही नजर आ रहे हैं यहाँ से। एक दो तीन चार पाँच, एक नहीं नजर आ रहा, पाँच नजर आ रहा। अच्छा था वो चाहिए कि कोई बंदा मई या जून में आता होगा तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल होता होगा। नेवाडा काफ़ी गर्म। और मैं इस साइड पर आ गया हूँ। अभी मैंने आपको एक दो दरख्त दिखाने हैं जो कैलिफोर्निया में और नेवाडा में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली पर ये हवा में रेत या मिट्टी ऊपर को जा रही है, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो मेरा दिल तो कर रहा था जाने का, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। इसी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सेवन मैजिक माउंटेंस दिखाने लगा हूँ। इनके बारे में बताता चलूँ, जब आप लॉस एंजल्स से लॉस वेगस की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में आते हैं। तकरीबन लॉस वेगस से 15 मील पहले ये आ जाते हैं सेवन मैजिक माउंटेंस। बड़ी देखने वाले हैं, 15 फ्रीवे के बिल्कुल राइट साइड पर बने हुए हैं, मोहावी डेजर्ट के बिल्कुल साथ बने हुए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डेजर्ट भी दिखाऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और चलें फिर टाइम ज़ाया किए बगैर आपको सेवन मैजिक माउंटेंस दिखाते हैं। तो ये आपको सामने 15 फ्रीवे नज़र आ रहा है, उसके साथ ही ट्रेन की लाइन भी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है। और अब इस साइड पे हम जाएंगे और आपको वो सामने 6 मैजिक माउंटेंस दिखाएंगे। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। लोग सुबह के 12 बजे होंगे। तो जी मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं डेजर्ट है। पहले मैं आपको ये डेजर्ट दिखाना चाहता हूँ, इसकी ये झाड़ियाँ देखें आप जरा यहाँ पर कैसे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक ये डेजर्ट है और फिर पीछे पहाड़ है। और तकरीबन 12 बजे का टाइम है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन गर्म हवा है। और अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको वो सेवन मैजिक माउंटेंस दिखाता हूँ। ये नेवाडा से तकरीबन 20 मील के फासले पर है, नेवाडा शहर से। जब आप लॉस एंजल्स की तरफ से आते हैं तो ये पहले आते हैं नेवाडा लॉस वेगस से, जब आप लॉस एंजल्स की साइड से आते हैं। तो जो भी लॉस एंजल्स से आता है जब लॉस वेगस में, तो सबसे पहले यही देखता है या वापसी पर यही देखता है। तो मैंने आते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैं वापसी पर जब लॉस एंजल्स जा रहा हूँ तो मैंने कहा ये रास्ते में आपको भी दिखाता हूँ। ये आप समझ लें बड़े बड़े पत्थर हैं और उनको कलर किया गया है। तो जी अब मैं आ चुका हूँ सेवन मैजिक माउंटेंस के बिल्कुल करीब। अब ये मैं आपको सारे करीब से दिखाऊंगा। ये पहला है, ये टोटल कितने पत्थर हैं, 1 2 3 4 5 हैं जो सबसे नीचे ब्लैक कलर में है, उससे ऊपर ब्लू कलर में, फिर येलो है, फिर वाइट है और फिर ऑरेंज या रेड कह लें, वैसे तो ऑरेंज लग रहा है। और ये दूसरे वाला आप देख सकते हैं, ये ग्रीन है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर ऊपर भी ब्लैक है, फिर ये सिल्वर से कलर के। ये वाला भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर ग्रीन है, येलो है, फिर सारे मेरा ख्याल पिंक कलर के। ये वाला दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। सामने आपको छोटा सा बच्चा भी नजर आ रहा है। और ये लास्ट वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, सारे ही नज़र आ रहे हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5, एक नहीं नज़र आ रहा, 5 नज़र आ रहा, छठा वो पीछे है। और इस साइड पे ज़रा चलते हैं,
आपको थोड़ा सा डेजर्ट अंदर से दिखाता हूँ। ये सारा डेजर्ट है, अभी भी यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। देखिए, अगर आप सोचें कि कोई बंदा मई या जून में आता होगा तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल होता होगा। नेवाडा काफ़ी गर्म स्टेट है, नेवाडा होगी, एरिजोना होगी, ये वाली स्टेटें काफ़ी गर्म है। वो दूर फ्रीवे है, आपको नजर आ रही है यहाँ से। दोबारा से ये मैं ऑफिस आया हूँ, मैं जितना मोटर दिखा रहा हूँ। अब ये पीछे आपको सेवन मैजिक माउंटेन्स नज़र आ रही है। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, मैं डेजर्ट के अंदर आ गया हूँ और मैं इस साइड पर आ गया हूँ। अभी मैंने आपको एक दो दरख्त दिखाने हैं जो कैलिफोर्निया में और नेवाडा में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये डेजर्ट वाले एरिया में होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपको नज़र आ रहे दरख्त, ये वाले दरख्त बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये छोटे होते कार्टून नेटवर्क पे जब कार्टून लगते थे ना, उसमें भी ये दिखाते थे। ये देखिए जरा, माशाल्लाह, छोटा सा दरख्त है, यहाँ पर तो बहुत कम है। वो आगे भी एक छोटा सा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन रास्ते में कई ऐसी जगह थी जहाँ पे डेजर्ट में ये बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये काफ़ी नुकीले हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कोई कंडा नहीं होता। देखिए झाड़ियाँ, और ये वाला मैं आपको अब दिखाऊंगा, तो उसके बाद फिर वापस चलते हैं। ये वाला जरा आप देखें, अब यहाँ से आपको आगे भी डेजर्ट नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे रेत है या मिट्टी है, और वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी और रेत है वो ऊपर को आसमान की तरफ जा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। अब एक दफ़ा ये सारा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ पहाड़ है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वो जो सामने डेजर्ट है जहाँ पर हवा में रेत या मिट्टी ऊपर को जा रही है, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मेरा दिल तो कर रहा था जाने का, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं जा नहीं सकता वहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको दूर से दिखा दिया। अब एक दफ़ा ये दरख्त, एक छोटा सा ट्री मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको काफी खूबसूरत लग रहे होंगे।